हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम आपका लेसन 13 जिसका नाम है समय याद, ठीक है ना, इस वाले लेसन की रीडिंग करेंगे। तो जो ये लेसन है ये जाकिर अली द्वारा लिखा गया है बेटा। तो इसमें उन्होंने एक प्रोफेसर द्वारा की गई कल्पना के बारे में लिखा है कि उन्होंने किस तरह से एक समय यान की रचना की, और समय यान में जाकर जब वो आगे भविष्य में गए तो उन्होंने जो था कि क्या क्या देखा कि उनको इस बात का एहसास हो गया कि जितनी आवश्यकता पर्यावरण को, प्रकृति को या हमारे देश को, हमारी धरती को आज है, उतनी आगे नहीं, ठीक है ना। तो इस पाठ के द्वारा उन्होंने आने वाला जो हमारा, ठीक है ना, आने वाला जो हमारा वक्त है आगे का, उसके बारे में बताया गया है कि आज जिस तरह से हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उसके कितने दुष्परिणाम हमें आगे भुगतने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंप्यूटरीकृत, कंप्यूटरीकृत मीन्स कंप्यूटर से सजी हुई, ठीक है। हॉल नुमा हो गई हॉल के आकार की। प्रयोगशाला के एक कोने में दो जोड़ी आंखें लगातार एक स्क्रीन पर जमी हुई थी। उस सुपर कंप्यूटर की अंतर्निहित का होता है जिस अपने अंदर स्थित, ठीक है। उस सुपर कंप्यूटर की अंतर्निहित शक्ति अपने बराबर में स्थित एक सतरंगी ग्लोब नुमा मशीन की जांच करने में व्यस्त थी। लगभग 8 फीट व्यास का वह सतरंगा ग्लोब अपने गर्भ में अनंत माने अनेकों, है ना, अनंत संभावनाएं छिपाए हुए था। उन्हीं संभावनाओं की तह माने होता है जड़, ठीक है ना, तह तक पहुंचने में व्यस्त था सुपर कंप्यूटर। यानी उन्होंने उस कमरे का वर्णन किया है सबसे पहले कि जहां पर था समयान का, जो प्रोफेसर थे वे समयान का निर्माण कर रहे थे। तो कमरा कैसा था कि वह एक हॉल नुमा प्रयोगशाला थी जिसमें कंप्यूटर्स थे, ठीक है ना, और जो उसमें सुपर कंप्यूटर था वह जो उन्होंने समयान बनाया था उसका निरीक्षण कर रहे थे, ठीक है। आगे वह लिखते हैं के आकाश की तरह शांत वह दो जोड़ी आंखें परिणाम की प्रतीक्षा में थी। अबाध का मतलब होता है बिना रुके, ठीक है। अबाध गति से धड़कते हृदय और अनियंत्रित गति से चलती सांसें भी उनकी एकाग्रता को भंग करने में समर्थ ना हो सकी। यानी उस समय जो प्रोफेसर थे, जो उन्होंने समय यान बनाया था, उसका वह फाइनल निरीक्षण कर रहे थे कि वह सही है या बनकर तैयार हुआ या नहीं। तो उस समय क्या था, उस समय जो थी उनके हृदय की गति, है ना, उनके हृदय की रकी जो थी वह अनियंत्रित थी। यानी उनका हृदय जो था वह बहुत तेज से धड़क रहा था, परंतु और जिसकी वजह से क्या था, उनकी सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, लेकिन वह अपने जो आविष्कार उन्होंने किया था उसको इतने ध्यानपूर्वक देख रहे थे, उसके परिणाम का इतने ध्यानपूर्वक निरीक्षण